ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੀੜ ਰਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਸ ਐਵਰੀਵਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ 7:15 ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ तो गाइस यहाँ पे बन रही है मेरी चाय एंड यहाँ पे रखे हैं मैंने राजवीर के लिए ब्लैक चने बॉईल करने के लिए क्योंकि वो तो है डाइट पे तो वो खाएंगे और ये मेरी चाय बन जाए बस जल्दी से। सो जी आ गए हैं। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है, स्नोफॉल हो रही है ना बाहर, ये देखो कोस जम रही है कितनी कोस जम जम के पिघल रही है मेरी मैगी भाई जैसे भी हालात लग रहे हैं तुम्हारी मैगी के चक्कर में तो देखो बाहर चल के जाने में यहाँ तो शॉक पे पता कब से वेट कर रही हूँ कितने घंटे हो गए मेरी मैगी अब जाके पहुंची है। अच्छी बात है ना तुम्हारा प्लान था चाय के साथ पीने का। चाय के साथ मेरे को ना रात से क्रेविंग हो रही थी यार मैगी चाहिए मैगी चाहिए कितने दिन हो गए यार मैगी नहीं खाई तो मन करता रहता है ना कि मैगी हुए यार मैगी खाओ नूडल्स खाओ तुम्हारे चक्कर में नूडल्स भी नहीं खाए मैंने इतने टाइम से गए तो थे लेकिन शॉप बंद थी जटली बंद हो गया था गए तो कोशिश तो पूरी थी नूडल्स खाने की क्या बंद अच्छा हाँ वो बंद नहीं तो नूडल्स खाने थे उस दिन मैंने लेट हुआ मैं हम तो ब्रेकफास्ट के साथ डैडी को मैंने छोले दे दिए हमारे मम्मी हाँ सैलेड दे दिए तुम्हें भी बना दिए रे प्याज कर दिए मैंने टमाटर भी है इसमें बस ये भी उतार दिए इसके अंदर अच्छा लो पहले मैं सो गाइस ये बन रही मेरी मैगी थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मैंने फटाफट से बनाते हैं ये रहे थोड़े ये वाले प्याज नहीं डालूंगी प्याज इस चॉपर में कर रखे कहीं समझो अभी ये कैसे प्याज डाल रही है मैगी में ये डालने लग रही अभी हस्बैंड जी मेरे अगर तुम्हें ज्यादा लगे तो रख देना मैं खा लूंगी बाद में ठीक है हाँ, वो तो खबाद में भी खाया जाता है तो अगर तुमको नींबू कम लगे तो नमक और काली में डालिए कम लग रहा है तो मुझे बताओ ये दही मसाला चाहिए मिक्स किया हाँ मिक्स कर दिया देख लो एक बार कम लगे तो मुझे बता दो मैं वो डाल देती हूँ ठीक है ये देखिए मेरी बन चुकी है मैगी कितनी डिलीशियस लग रही है बहुत टेस्टी बनी है राजवीर मेरी मैगी मुझे मिस नहीं कर रहे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मैंने मेरी थोड़ी बनी है अगर ज़्यादा बनी होती तो तुम्हें मिस करती लेकिन तुम अभी डाइट पे हो मैं तो अभी डाइट पे भी हूँ मैं भी बट कभी कभार तो चलती है ना सो गाइस अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी तो डिनर के लिए मैं कर रही हूँ अभी ये वाली दाल बॉइल्ड हरी गोल्ड वाली मूंग दाल जो अभी लगाने लगी बस दाल को तड़का प्याज वगैरह कर दिए चॉप ये रहा टमाटर टमाटर यार यहाँ से ख़राब है इसे कट करूँगी यार पता नहीं क्यों इतनी जल्दी टमाटर ख़राब हो जाते हैं तुमको हाँ? इतनी जल्दी खाना बनाने लग गए दाल बना रही ना मैं तो सोच रहा था अभी हम दोनों मार्केट चलते क्या सब्जी सब्जियाँ लेके आते थोड़ा बहुत घूम के आते गेड़ी मार के आते एक दो सब्जी ले आते कितना टाइम लगेगा इसमें फिर से दड़ी की चाय हाँ, तो तुमने मना नहीं किया मना किया था दड़ी की थोड़ी सी बना दूँगी क्या कहते हैं वैसे भी दूध दड़ी की चाय में बहुत कम जैसे तुम्हारे नहीं बंदा हाँ, हाँ. जितनी बार भी चाय बनाती मैं इतना ही दूध रखती हूँ दूध ज़्यादा नहीं बनाती अभी बताओ तो सही इसमें कितना टाइम लगेगा ये तो अभी हो रहा है तड़का तड़का फिर भी कितना टाइम है अप्रॉक्स 15 मिनट से रुक जाओ चलो फिर तो घूम सब्जी सब्जियाँ देख लेते ना कुछ भिंडियाँ वंडियाँ लेके आनी हो कल सुबह बना देगी ना मम्मी टिफिन ले चलेंगे ना साथ में नहीं नहीं भिंडी नहीं खानी फिर क्या खाना हाँ? चलो भिंडी तो फिर घर वाले खुद बना लेंगे बाद में वही खा लेंगे ना सुबह लेके जाना है कुछ यहाँ से तो खा के तो जाना पड़ेगा नहीं नहीं चाय तो फिर बस वही खाना चलो सब्जियाँ तो लेनी है वैसे यहाँ के लिए तो आ जाओ सब्जी तो ले लो वैसे अपन चलते हैं मार्केट अब एक्चुअली जो सुबह दवाई लेने गया था डैडी की वो गलत आ गई एक तो वो मेन जरूरी है डैडी को आलू बखा रहे इतने ज़्यादा सूट कर गए इतने ज़्यादा पसंद है हम खाते हैं वो भी देना है और घर पे एक्चुअली कोई सब्जी भी नहीं है पहले मैंने सोचा था कंचन चढ़ पड़ेगी साथ में बट क्या होता ना जब गर्मी में बंदा पहले इतना पसीने में होता है फिर उसका निकलने का भी मन नहीं करता मैं तो चलो सुबह से घूम रहा हूँ तो मेरे को तो वो है अभी उसको डिनर भी बनाना है तो वो डिनर बनाने में लगी इसलिए फिर अकेले ही चलते हैं मेरे को ये हो जाता है कि सब्जी सूजी का भी मेरे को पता नहीं होता यार कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है कैसे कुछ होता है मैं किसान वाले भी बोल देता हूँ कि खुद ही डाल दे भाई
इस चक्कर में होता कि अगर चल पड़ते सर तो खुद अपनी चॉइस से ले लेते हैं, बट कोई नहीं निकलते हैं अब अपन खुदी। और एक बाइक खड़े हुए बहुत टाइम हो गया, इसको तो डर के मारे में उठाता ही नहीं हूँ क्योंकि इसका पता नहीं तेल तूल का भी कब डलवाया था, और एक्चुअली बहुत पुरानी हो गई है तो फिर देखते हैं अभी तो इसका फिर मुश्किल ही हो रहा है, इसलिए हर चीज़ के लिए ना गाड़ी निकालनी पड़ती है। तो देयर इज अ चेंज इन प्लान, कंडीशन भी आ रही है साथ में, पता नहीं कैसे मूड बन गया, तड़का लगा रही थी बट वो तड़का लग चुका है इसलिए बस आती है कि 5-10 मिनट में निकलते हैं, थोड़ा लंबी गाड़ी मार के आएंगे फिर ऊपर से ना एसी चल रहा है ना एक तो गाड़ी में तो इतनी गर्मी के बाद थोड़ा सुकून सा मिल जाता है। कैसे प्लान बन गया? अरे वो तड़का वो हो ही गया था, मैं गॉड इतने पसीने देख लूं के बाद में मगर चले जाते थोड़े इतने दिनों। तुमने ये भी सोच ना? ये भी सोचा होगा चलो गाड़ी में एसी भी है मैं भी ही सोके गाड़ी निकाल लेता हूं। वो ना ले आओ ना यार तुमको वो मैं अभी जस्ट बोल के आता था, मेरे को यही बोल के आता था मेरे को सब्जी लेने टाइम में तो खुद ही बोलते खुद ही डालते वहां से, मैं अगर चलो कोई साथ हो जाता तो फिर अपनी पसंद से देख देख के ले लेता है बंदा, पता भी नहीं ना सब्जियां कौन सी मैं देख लूंगी ना, मम्मी उन्हीं तो खाते रहते जैसे कद्दू बैंगन दे देंगे यही जो खाते हैं, डैडी तो आजकल कद्दू ही खाते हैं, अभी हरी गोल दाल बना दी डैडी ने बंद कर रखे थे, छिलके वाली होती है मैं ये खाता नहीं, यूरिक एसिड बढ़ गया बट अभी तो नॉर्मल हो गया, तो हाँ अभी तो खा लूंगा जैसे रोज नहीं रोज नहीं होता चलती है तो खाई नहीं इतने टाइम से ना ये वाली दाल, कभी बना के रखा मैंने कहा बाद में उबाला उबाला दिवा लूंगी ना जाके घर वापिस, मैं थोड़ा टहल आती हूँ रायकोट में इतने दिन से टहल ही नहीं ना, मैं भी सोचा था मैं कहीं एसी में बैठा हूँ इतने टाइम बाद अब गेड़ी मार के आऊंगा लंबी मार्केट से, मैंने यही सोच रहा था ये बहुत देर लगाएगा मैं साथ चाहती हूँ इसलिए मैं भाग के आ गई। बता सो जी मार्केट भी आज क्या संडे तो नहीं है ना आज ट्रैफिक तो ना, हाँ एक्चुअली यहाँ पे 7:30-8 बजे बंद होने लग जाता है, तुम्हारे यहाँ पे शॉप्स बहुत है जैसे हमारे हांसी में भी मार्केट पूरा भरा रहता है पूरा ऐसे रौनक लगी रहती है वहाँ पे पूरे 9 बजे तक 10 बजे तक, पता है मार्केट काफी लंबा है हमारा ना पीछे से उधर से शुरू होता है। सो जी हम पहुँचे हैं मोड, कुछ पनीर वगैरह ले लेते हैं सामान वगैरह खाने पीने का, कौन सा कंपनी है दूसरी है ना ये छोटा वाला यार ये छोटा ले लो ना आज आज के लिए चाहिए मेरे को, देखना इसमें देखो ना कितना वेट है इसका, ग्राम मैं देख रहा हूँ ये 200 ग्राम है सेम है तो देख लो अगर लेना तो इधर है ये वो वाला अच्छा है जो दीदी वो डीमार्ट से बोल रहे हैं लेके आए हैं बड़ा अच्छा घर से का था लग रहा था ना वो हाँ यहाँ पे तो है नहीं इधर तो पड़ा हुआ है घर वालों का भी खत्म है पड़ा और सरकारी अचार भी है ना ये क्या है चटनी है चलो चले चले दर्शन करते हैं गार्लिक पिकल नहीं है कुछ सब्जियाँ सब्जियाँ ले लेते हैं इधर से ये क्या कद्दू है ये ये लेना है? नहीं मेरे को नहीं पता मम्मी वो दूसरे वाले होते हैं ना छोटे वाले होते हैं ये तो लेते हैं मम्मी कौन से वाले करेले डाल लो ये भी ले लो वो भी ले लो करेले भी डाल लो सारे ना इंडिया कितने लोगों के रखी है कई इधर रख दे भैया भैया ने इधर छुप भैया भिंडी ने इधर छुपा के रखी कहाँ रखी है भैया किधर है भैया दिख नहीं रही किधर है कहाँ है ये देखो नीचे दिख रही है हाँ नहीं भिंडी तो गली थोड़ी सी नहीं लग रही है थोड़ी थोड़ी सही है काली सी है ना बीच में आधा किलो देख लो यहाँ से निकाल लो ये देखो ये वाली सही है थोड़ी थोड़ी भैया आपने तो आप तो कहते अच्छी भिंडी पड़ी है इसमें तो काली भिंडी की ऐसी खराब भिंडी पड़ी है भैया भिंडिया टेरी कर दे तो थल्ले करके गरमा जाए पालो जड़े घर जाके हैंड वॉश वगैरह कर लेना क्योंकि केमिकल्स वगैरह लगे होते पेस्टिसाइड्स होता है सब्जियों के ऊपर तो ये हाथ वगैरह जब भी मैं करती हूँ ना
मैं तो बहुत अच्छे से ही वो करती हूँ। शाम को आना चाहिए था ताकि दिखे। हाँ, शाम को थोड़ा शाम को आना चाहिए था ताकि दिखे, क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा था। टमाटर थोड़े से गले सड़े से पड़े थे, फिर भी भैया ने थोड़े चूस करके अच्छे दे दिए। धूप करके भी हो सकता है। भैया की रेडी तो देखो, रेडी की दुकान जो सजा रखी है बहुत अच्छे से सजा रखी है, वेजिटेबल्स वगैरह ना। नहीं बट मैंने देखा, जब हम गए थे मैं दड़ी का मंडी, टमाटरों की नीलामी होती है, ये जो लेके जाते हैं, हाँ ये जो मतलब होलसेल में लेके जाते हैं बेचने के लिए, सबके टमाटरों की हालत ऐसी। इस बार मुझे भी ले चलना मंडी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ले चलेंगे। सुबह 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 सवेरे ही होती है मंडी ना, श्रीलंका जैसी है, वैसे ही शेड डली हुई है, वैसे ही बैठे होते हैं सारे। बस चलते हैं घर, बाकी सारा हो गया, घर भी जाके खाना पीना देखते हैं। दाल बन गई, बस दाल को उबाला दिवाऊंगी एक, बस हो जाएगी। रोटी रोटी बनाते हैं, आज सवेरे से मैंने रोटी नहीं खाई, आज मैंने सिर्फ मैगी खाई है गाइस, क्योंकि मेरे को मैगी ही चाहिए थी। मेरे को कब से मैगी खाने का मन कर रहा था, तो अब खाऊंगी रोटी में जाके। राजवीर ने तो अपनी डाइट वाले छोले खाए थे, अभी बस पनीर खाऊंगी सोया।